सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों 8 दिसंबर 2020 ये मेरे जीवन का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। वास्तव में दोस्तों कल क्या कहें, बस खुशी से मैं भी झूम उठा जब मैंने देखा कि मैंने एग्जैक्ट टारगेट दोस्तों 1800, कल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 8 दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया सर दोस्तों, उसका एक ही कारण था कि हमारे खास रिलेटिव्स में परिवार में शादी थी और मेरा वहाँ होना अनिवार्य था, इस कारणवश मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। चलिए बस इसी पॉइंट से, मैं कल भी बस बहुत बेकाबू हो रहा था कि वीडियो कब बनाऊं, लेकिन दिन बीत गया, बात बीत गई, समय बीत गया, आज का दिन आ गया। तो कहीं ना कहीं मैंने कल सबसे ज़्यादा आप लोगों को मिस भी किया हूँ दोस्तों। कोई बात नहीं, समय की बात है, समय की धारा तो बहती रहती है और समय की विशेषता यही है दोस्तों कि वो बीत जाती है, यही समय की खास विशेषता भी है। तो हाँ, लेकिन ये मैंने तय कर लिया था दोस्तों कि मैं ज़रूर कहूँगा, अगर कल मेरा वीडियो बनता तो मैं यही कहता, सतर्क हो जाइए, अभी कुछ मत करिए, बस वही बात कहना था दोस्तों। चलिए मैं उस बात पर फिर से आ रहा हूँ, ये मेरा पार्ट 27 है और कुछ खास बातें मैं वीडियो के एंड में बोलूँगा दोस्तों, जिस पर आपका विशेष ध्यान हो। चलिए खास देखिए दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में जो मैंने 1800 लिखा है दोस्तों, मैंने उसे मिटाया नहीं है, यूं का यूं ही रखा है दोस्तों इस बॉक्स को। ये इस बोर्ड पर मैंने ये 1800 का ये जो बॉक्स है दोस्तों, मैंने यूं का यूं ही रखा, इसे मिटने नहीं दिया, क्योंकि यही खास सबसे कहूंगा टॉक ऑफ द टाउन है आज की तारीख में मेरे लिए और सभी के लिए भी, कि एक चमत्कारी हुआ दोस्तों, और ज्यादा क्या कहूँ। और मैंने ये भी कहा था कि ये कल तक संभावना है, और कल तक की बात बिल्कुल उसने जैसे IRCTC ने मेरी बात सुनने के लिए ही बेकाबू था। चलिए कभी कभी होता है दोस्तों, और मेरा तो वास्तव रूप से मेरा जो संपर्क है और जो बातें हैं सिर्फ एनालिसिस से है, और इसके अलावा मैं किसी को जानता नहीं, कोई IRCTC में हो या क्या हो, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। बस सच्चाई यही है कि हमारी एनालिसिस जो है वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एकदम सही जा रहा है, बस और क्या कहूँ। चलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ दोस्तों, और जो जो मैं आज कहूँगा बहुत बारीकी से दोस्तों उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अमल कीजिए और सतर्कता अपनाइए। चलिए सबसे पहले IRCTC का करंट मार्केट प्राइस 1617.75 एज ऑन 9th December 2020 के हिसाब से, मार्केट कैप 25,884 करोड़, कम हो गया, पिछले वीडियो में मार्केट कैप देखिए और इसे देखिए, कम हुआ है। चलिए अब खास बात देखिए दोस्तों, 1800 उसने जब टच किया, बिल्कुल 15-20 सेकंड की बात है, मैं बहुत बारीकी से मैं स्वयं देख रहा था उस समय भी दोस्तों, मेरा ध्यान मार्केट के स्टार्टिंग टच पर ही था, 9:15, भले मैं दूसरे कार्यों में था, शुभ कार्यों में मैं गया था, लेकिन ध्यान कहीं ना कहीं मैं अपना IRCTC में ही लगाया हुआ था। अब खास देखिए, जैसे ये खुला 1706 और 7 के रेंज में था, तुरंत सेकंड्स में दोस्तों 1800 चला गया, और जब पब्लिक का पार्टिसिपेशन हुआ वो रियली यहां से शुरू हुआ। हाँ दोस्तों, क्योंकि यहां बहुत तेजी में बिकवाली हुई, और बहुत तेजी में जब बिकवाली हुई तो यहां पर यह भाव आ गया, तो लोगों के जब शांत रूप में लोगों का प्रवेश होना शुरू हुआ वो 1770 के आसपास 1765, 1767, 1761 ये लेवल पे चलने लगा। फिर अब वास्तविकता क्या हुई दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिए, कुछ लोग वहां पर और खरीद लिए और बहुत कुछ लोगों ने वहां पर प्रॉफिट भी बुकिंग किया। मैं अक्सर सभी वीडियो में दोस्तों अपना ये कहा ही हूँ और आज भी कहता हूँ दोस्तों, कि जब कभी भी IRCTC के शेयर्स आप खरीदते हैं तो कम संख्या में लीजिए, कम संख्या में लीजिए। अब आप बोलेंगे सर कम संख्या में क्यों बोलते हैं, मैं उस दिन मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए दोस्तों, कि मैं उस दिन कहूँगा बड़ी संख्या में लीजिए जिस दिन मैं कन्विंस हो जाऊँगा कि हाँ इसका शेयर प्राइस अब बड़ी संख्या में लेने योग्य हो गया है, तब आप लीजिएगा दोस्तों, और तब
उतना प्रॉफिट कमाएंगे जो पूरे साल में नहीं कमाए हैं दोस्तों। ये मैं अपने दिल से शब्द कह रहा हूँ दोस्तों, तो इन शब्दों पर आपका विशेष ध्यान हो। आप 4 शेयर 5 शेयर बस लेते जाइए, क्योंकि 4-5 शेयर अगर आप खरीदते हैं तो मार्केट का कोई भी भाव होने तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे आपका वेल्थ क्रिएट हो रहा है, वेल्थ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ हो रहा है दोस्तों। वो चीज़ आप नहीं समझ पाते। आप 100, 200, 500 शेयर लेते हैं, फिर उसी को एक साथ बेचते हैं, तो फिर आपके पास रहा क्या? सिर्फ प्रॉफिट, शेयर्स नहीं है आपके पास। शेयर्स को, कुछ शेयर को हमेशा के लिए कायम रखते चलिए, तब वो आपका वेल्थ बनता है और वेल्थ आपको फ्यूचर में उसका आपको रिटर्न मिलता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में कमाए फिर गवाए, फिर आया फिर गया, पैसा आया पैसा चला गया। हाँ दोस्तों, पैसा कमाना और उसमें बात को बनाए रखना बड़ा कठिन विषय होता है, क्योंकि आप ये नहीं देखते हैं कि बाय करने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा। अगर आप बहुत बड़े पैमाने में खरीद लेते हैं तो ये जो आपके अंदर डर है ना, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और उस कारण से आप लॉस में करके बेचते हैं दोस्तों। इसलिए आप उतना ही शेयर लीजिए जितना आप लेने के बाद, शेयर प्राइस कुछ भी होने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया हूँ, बात खत्म। और लॉन्ग टर्म के लिए जब लेते हैं दोस्तों, तो मैं तो दिल से कहता हूँ कोई भी लेवल पर आप खरीदिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं IRCTC 5 साल के लिए रखता हूँ, 5 साल के लिए लेके छोड़ दिया, वो मुझे 1800 में भी मिले तो मुझे क्या फर्क है, 1800 में भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने तो 5 साल के लिए ले रखा है। पैमाना कितना है, कितना खरीदना चाहिए, ये मुझ पर निर्भर करता है। तो मुझे 5 साल के लिए ले रहा हूँ तो मुझे उतना ही पैसा ब्लॉक करना चाहिए जितना 5 साल तक उस पैसे की जरूरत ही नहीं है मुझे। अब मुझे मान लो 10,000 5 साल तक के लिए जरूरत नहीं है, तो मैं 10,000 का भले 5 शेयर 6 शेयर जो आ रहा है मैं खरीद लिया, बस खत्म। ये होता है दोस्त, इन बातों को आप अमल कीजिए उस तरह से जिससे कि आपके पास एक वेल्थ बने और वेल्थ कायम रहे। आप वेल्थ बनाते ही खत्म करने की तैयारी करते हैं। प्रॉफिट, नो डाउट प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ जितना प्रॉफिट मिलता है उसी का उतना शेयर ही छोड़ दीजिए, बाकी आप निकाल लीजिए, वो भी अच्छी पॉलिसी है। अगर मुझे IRCTC में 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है या कहीं भी 5,000 का, ठीक है, अगर मैं सारा शेयर बेचता भी हूँ तो उस प्रॉफिट को तो छोड़ दीजिए। या कुछ लोग सिर्फ प्रॉफिट निकाल लेते हैं बाकी प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं, वो भी अच्छी बात है। मैं तो ये भी कहता हूँ अगर प्रिंसिपल भी निकाल लेते हैं और प्रॉफिट भी छोड़ते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉफिट वाला चीज़ तो कायम है, प्रिंसिपल आपके आपके खुद के पर्सनल अकाउंट में है ना, तो टेंशन कोई बात ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो पैसा है वो तो प्रॉफिट वाला पैसा है, तो मुझे क्या चिंता। इन सब बातों को ध्यान दीजिए, अमल कीजिए दोस्तों, खास रूप से कह रहा हूँ। चलिए अब आपके लिए खास इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिस पे आपका विशेष ध्यान हो। अब ये देखिए दोस्तों कि इसने 1800 से जब टूटा 1770, फिर नीचे आ गया, फिर दोपहर होते 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 1700 भी तोड़ दिया और 1705, 1710, 1705, 1706 करके फिर वहाँ भी कई लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया, फिर उसे भी उसने तोड़ दिया, यानी कल की बात कर रहा हूँ। और फिर आज, आज देखिए दोस्तों, ये जैसे हम देख रहे हैं क्लोजिंग 1617.75, आज 1601 तक गया, तो अब 1601 तक ये आ गया। अब यहाँ जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो सब लॉस में हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले तो मैंने अभी जैसे कहा कि किसी भी लेवल पे खरीद लो बस कोई बात नहीं, हमने तो 5-10 साल के लिए छोड़ दिया है, वो तो अलग ही दुनिया है, अलग ही बात है। लेकिन अक्सर मैं लोगों में 5 साल की बात तो करते हैं कि हम 5 साल के लिए छोड़ दिए, लेकिन हर दिन देखने का ध्यान जरूर रखते हैं कि भाव क्या है। उस भाव और उस स्वभाव को तो मैं कहता हूँ जब 5 साल के लिए रख दिया है तो बढ़ने दीजिए या घटने दीजिए, घटने में तो मैं और खरीदूंगा ये पॉलिसी होनी चाहिए, और बढ़ रहा है तो मुझे चलने दीजिए, अभी तो हमें 5 साल बड़ी लंबी दूरी तय करनी है। चलिए ध्यान फिर से ले रहा हूँ आपका। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों कि जो लोग ले रहे हैं, जो इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि जो भाव में ले रहे हैं वो नीचे चला जा रहा है। तो मेरे इन शब्दों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, जब तक ये 1750 को नहीं तोड़ता है दोस्तों, तब तक ये ऐसे ही नीचे नीचे या एक लेवल पे चलता रहेगा। हाँ, अब आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है दोस्तों 1750 का। जिस दिन इसने 1750 के ऊपर जंप किया
तो मेरा ये टारगेट के ऊपर भी दौड़ पड़ेगा दोस्तों, इन शब्दों को विशेष ध्यान दीजिएगा। 1800 के ऊपर भी चला जाएगा जिस दिन इसने 1750 के ऊपर अपनी ट्रेन को बहुत तेजी में, तेजी की रफ्तार में चलाना जब शुरू कर देगा IRCTC, तो 1800 उसके लिए कुछ नहीं होगा, तब उसके भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अब यहाँ बात क्या हो रही है, 1601 1617 ये रेंज में आ गया है, तो अब इस एक रेंज बाउंड लेवल पर अब ये शेयर चलेगा दोस्तों। हाँ, तब तक के लिए आप ये देखिए कि 1600 के नीचे जाता है तो 1570 और 80 का एक रेंज दिख सकता है दोस्तों, तो वहाँ पर दो दो शेयर, तीन तीन शेयर, पांच शेयर लिया जा सकता है, बस उससे ज़्यादा मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। जब बड़े पैमाने पर लेने का जिस दिन आएगा दोस्तों, उस दिन मेरे शब्द होंगे, और वो दिन जब आएगा तब मैं कहूँगा कि हाँ, यहाँ आप 50 ले लीजिए, यहाँ 100 ले लीजिए, ये वाक्य भी मैं कभी कहूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी यही कहूँगा कि दो शेयर लीजिए, तीन शेयर ले लीजिए या पांच शेयर ले लीजिए, बस। क्योंकि दोस्तों इसका ऑफर फॉर सेल वाला न्यूज़ अभी भी आया नहीं है, और जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन इसमें भी डामाडोल हो सकता है दोस्तों, इसके लिए सतर्कता से साथ चलिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वाले तो मैं कहूँगा बहुत ही, मैं तो एक ही नाम दूंगा कि वेट एंड वॉच पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ मत करिए, देखिए किस लेवल को नीचे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लेते जाइए बस। जब जब ये नीचे गिर रहा है उसको आप, जैसे मैंने कहा, तीन शेयर पाँच शेयर लेते जाइए बस, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं, और गिरने दीजिए, जितना गिर रहा है नो प्रॉब्लम, गिर रहा है तो हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है ऐसा। और देखेंगे अगला, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये लेवल जब तक ऊपर नहीं जाता दोस्तों, ये इसी रेंज में और नीचे घूमता रहेगा। जिस दिन ये लेवल टूटा 1750, तभी ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट पे आ जाएगा। बस यही कहना था दोस्तों, और आपको सतर्क भी करना जरूरी था कि पैसे को बड़े पैमाने पे अभी मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कुछ न्यूज़ अगर आ जाए तो ये बड़े लेवल पे नीचे भी जा सकता है। तो हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये 1580 को तोड़ता है और या उसके नीचे आता है, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, या ये 1700 के आसपास के ऊपर जब जाए, या तब मैं इसका अगर एनालिसिस रूप देखूंगा कि अब आपके लिए बनाना जरूरी है, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। दोनों पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, बस यही कहना था दोस्तों, और बाकी आपके नॉलेज के लिए यही कहना था। और यही कहूंगा दोस्तों कि 15 दिसंबर लास्ट डेट है, एक लास्ट रिमाइंडर दे रहा हूँ, इसके बाद किसी वीडियो में मैं ये वाक्य नहीं कहूँगा कि 15 दिसंबर लास्ट रिमाइंडर है। लाइफ मेंबरशिप के लिए, सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ये जो स्कीम है 15 दिसंबर को तक ही वैलिड है, उसके बाद वो दिन वो बात, फिर 6 साल के बाद ये स्कीम इंट्रोड्यूस होगा। तो जो लोग इस 15 दिसंबर तक नहीं ले पाएंगे, उनको 6 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं दोस्तों कि आपका स्टॉक फॉरएवर का लेवल कहाँ तक है, यानी कब तक रखना चाहिए। मैंने फॉरएवर का मतलब ही है हमेशा के लिए दोस्तों, तो स्टॉक फॉरएवर, कुछ इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा दोस्तों कि अगर मुझे अपना बेटा या बेटी के नाम से अगर ये स्टॉक फॉरएवर रखना है तो कैसा, आपका क्या विचार है। तो मैंने यही कहा दोस्तों कि ये सबसे उत्तम विचार है कि अगर हम अपने बेटे या बेटी के नाम पर ये 10 स्टॉक फॉरएवर रख देते हैं दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि सबसे उत्तम कार्य 2020 में शुरू होगा, ऐसा भी कह सकता हूँ, या 2021 में भी आप करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तब भी अति उत्तम होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूँगा दोस्तों कि सतर्कता के साथ अब इन्वेस्ट कीजिए IRCTC में, बस और कुछ नहीं, बाकी आप हैं, हम हैं, चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।